ओम शांति। 9/11/2023 यानी 9 नवंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी होकर के रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चों में देह का अभिमान आ जाता है, इसलिए तुम बच्चों को माया कच्चा खा जाती है। तुम बच्चे अपने आप को आत्मा समझो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे और माया से बच सकेंगे। आज का प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं तो वह कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं, और दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई हैं जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं, और कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। यह भी बंदर है ना, यह आश्चर्य की बात है ना। परमपिता परमात्मा के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं। एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं, और दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं, बाप को धोखा देने का पुरुषार्थ करते हैं, एग्जाम में आते हैं फिर एग्जाम से दूर चले जाते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं, और कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। तो यह आश्चर्य की बात है ना। आज का गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिरे से सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर के अपना परिचय देते हैं। बच्चों को बाप का परिचय मिला हुआ है, जानते हैं कि अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। माया ने मनुष्यों की बुद्धि को मार दिया है, खराब कर दिया है। इतनी साधारण बात मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती है। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है, तो जरूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, भक्त भगवान की बंदगी यानी साधना करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का बाप एक है। सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता, वह तो अनेक फादर हैं। सभी शरीरों का फादर एक नहीं हो सकता, लेकिन सभी आत्माओं का फादर एक है। वह जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कह करके याद करते हैं। शरीर वाले बाप भी हे ईश्वर कह करके भगवान को याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मनुष्य बेसमझ हैं, जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्रायः लोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं कि सतयुग अभी प्रायः लोप है, सतयुग अभी गायब है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है कि सतयुग में उन्हों को यह पता होगा कि यह सतयुग प्रायः लोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं, वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है, वहाँ इस नॉलेज की जरूरत ही नहीं है।
यह बातें सतयुग में भी किसी की बुद्धि में नहीं होती हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं, तो कहना भी ना कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए हैं इसलिए आर्फन बन पड़े हैं, पतित बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज, माया से लिबरेट करना, माया से मुक्त करना यह बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते, वह तो समझते हैं कि दुख सुख भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं, जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। यह भी तुम समझ सकते हो, दुनिया इन बातों को नहीं समझती। यह विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं, उन्हों को यह पता नहीं है कि सतयुग में यह विष यानी विकार होता नहीं, वह है ही क्षीर सागर, इसको विषय सागर कहा जाता है, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भले त्रेता में दो कला कम हो जाती हैं, तो भी उनको निर्विकारी दुनिया ही कहा जाता है। वहाँ विकार हो नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है, आधा आधा है ना, एकजान सागर और अएकजान सागर, अएकजान का भी सागर है ना। मनुष्य इस समय कितने अएकजानी हैं, बाप को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि यह करने से भगवान मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं, तब ही फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी चतुर है, बहुतों को धोखा मिलता है, कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में, मेहनत है ही अपने आप को आत्मा समझने में। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं कि सावधान, माया बड़ी चतुर है, मन मना भव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया तुरंत थप्पड़ लगा देगी, इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। राइट रांग यानी सही गलत की बुद्धि तो मिली ही है, कहीं भी मूझो तो बाप से पूछो, कहीं भी किसी बात में अगर तुम ब्राह्मण बच्चे अटकते हो तो तुरंत बाप से राय लो, तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं, तो फोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधारते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट यानी सरकार है गरीब, तो खर्चा भी ऐसे ही करती है। इस समय तो सब जड़जड़ी भूत अवस्था वाले तमो प्रधान हैं, लेकिन फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमो गुड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने ना तो इतना सुख देखा है, ना दुख देखना है, वह अभी सुखी हैं, तब तो इतना अनाज आदि भेजते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन, कितनी खोज करते हैं।
परंतु उन्हों को यह पता नहीं पड़ता है, इसलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े, तो उन्हों को भी पता पड़ेगा, आखिरी में समझेंगे कि यह चीज तो बड़ी अच्छी है। इन पर लिखा हुआ है गॉडफादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर यह हमको मिला था, इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे बच्चे जानते ही नहीं हैं, सुखदाता तो वह एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं, चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, कितनी विचित्र बात है। यह चित्र विलायत यानी विदेशों में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है, खर्चा तो होना ही है, राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा और लाखों मरे, लेकिन यहाँ तो मरने की बात ही नहीं है। श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है तब ही श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाते समय बहुत पछताएंगे। यह बाप भी है तो धर्मराज भी है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं पतित दुनिया में आकर के बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ, अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। तुम बच्चे ऐसे कभी मत सोचना कि जो होगा वह देखा जाएगा, दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे, नहीं नहीं, मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं, तुम अभी जो कुछ भी करते हो वह 21 जन्मों के लिए करते हो, वह भक्ति मार्ग वाले जो कुछ करते हैं वह अल्पकाल के लिए करते हैं, एबजा फिर भी नरक में ही मिलेगा, तुमको तो स्वर्ग में एबजा मिलना है, रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग वाले कितना भी दान पुण्य करें, कितनी भी भक्ति करें, फिर भी उनको जन्म नरक में ही मिलता है। हाँ, जो कुछ दान पुण्य करते हैं तो उसका फल उन्हें थोड़े से सुख के रूप में मिल जाता है, लेकिन उनको जन्म नरक में ही मिलता है। भक्ति मार्ग वाले कितना भी दान पुण्य कर लें, उनको अगला जन्म नरक में ही मिलेगा। हाँ, थोड़े समय के लिए सुख मिल जाता है क्योंकि अच्छा काम करते हैं, इसलिए उसका फल थोड़े समय के लिए सुख मिल जाता है, लेकिन तुम ब्राह्मण बच्चे जो पुरुषार्थ करते हो उससे तुमको अगला जन्म स्वर्ग में मिलेगा और 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा, थोड़े समय के लिए सुख नहीं मिलेगा, पूरे 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा, और तुम ब्राह्मण बच्चों का अगला जन्म भी नरक में नहीं होगा, स्वर्ग में होगा। तो कितना फर्क है भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में, रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग वाले कितना भी दान पुण्य करें, कितनी भी भक्ति करें, फिर भी उनको अगला जन्म नरक में ही मिलना है, लेकिन तुम ब्राह्मण बच्चे जो कुछ पुरुषार्थ करते हो उसका फल तुम्हें 21 जन्मों के लिए मिलता है और तुम ब्राह्मण बच्चों का अगला जन्म स्वर्ग में होता है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो, हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा करके बड़े आराम से ले जाता हूँ। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत दुख उठाए हैं, अब कहता हूँ तुम मुझे याद करो, तुम नंगे आए थे, यह पार्ट बजाया, अब फिर वापिस जाना है, यह तुम्हारा अविनाशी पार्ट है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते,
आत्मा इतना छोटा स्टार है, उनमें अविनाशी पार्ट सदैव के लिए भरा हुआ है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। बाप भी कहते हैं कि मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पार्ट बजाने के लिए। कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेज फुल है, लेकिन क्या चीज है यह कोई नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं, क्यों? क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर के तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ, मैं पंडा भी हूँ। मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ, आत्मा मच्छर से भी छोटी है। यह समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ, यह किसी को नहीं देता हूँ। यह भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आती है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ और माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई बुद्धिमान समझे। यह टेप मशीन बहुत अच्छी चीज है, बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है। बहुत शिकीलधे बच्चे हैं, बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे, बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है, नींद भी फिट जाती है। क्या युक्ति रचें, कैसे बच्चे दुख से छूटें। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी तैयारी करते हैं, और कोई तो पुरुषार्थ करते हैं बरसा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है, कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो यह कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे, वह पढ़ाते हैं। और पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई ही कमाई का साधन है। पढ़ाई से हम शरीर निर्वाह करने के लायक बनते हैं। माँ बाप से भले वर्षा मिलता है, परंतु वह क्या काम का। जितना ज़्यादा धन उतना पाप बहुत करते हैं, नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं फिर छिपा करके पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है कि शराब बिगर रह नहीं सकते, बात ही मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं, लड़ाई करने वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जा करके दूसरा शरीर लेगी। तुम बच्चों को भी अभी एक जान मिलता है, यह छी छी शरीर छोड़ना है। उन्हों को कोई एक जान नहीं, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो हम अपने आप ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। यह पुरानी खाल है, जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती तो उतार देते हैं। तुम्हारी यह तो बहुत छी छी पुरानी खाल है, पार्ट बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है।
बाबा ने युक्ति तो बताई है कि मन मना भव, मुझे याद करो बस, ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, वो भी बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है, तो योग लगा करके बैठते हैं, परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलबट खाते हैं, वह जीव घात हो जाता है, यह सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं। बाबा का देखा हुआ है, वह हुआ हठ योग सन्यास। बाप समझाते हैं कि तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं, कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है। देह अभिमान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। कुछ बच्चों में देह का अभिमान आ जाता है तो बच्चे खुद परमपिता परमात्मा को अपनी मत देने लग जाते हैं। बच्चे खुद कहते हैं कि परमपिता परमात्मा को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने आप को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, बाबा आप एक ज्ञान के सागर हो, बस बाबा आपकी राय पर ही चलूँगा, कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए, भूलें तो होती रहती हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है, कहीं भी जाओ बाप को याद करते रहो, विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है, कर्म भोग भी तो चुकतू करना होता है ना, पिछाड़ी तक यह कर्म भोग छोड़ेगा नहीं, श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है, साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पांसिबल यानी जवाबदार वह हो गया। बाप बैठा है तो तुम क्यों अपने सिर पर बोझा रखते हो? पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना ही है, यह तो कोई नई बात नहीं है, अनेक बार पार्ट बजाया है फिर बजाते रहेंगे। इसको ही बंडर कहा जाता है, इसको ही आश्चर्य कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा है, कोई भी विनाशकारी यानी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है, कदम कदम पर सावधानी से चलना है। आज का वरदान है, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा और फायदा, इन दोनों का बैलेंस रहे तो बरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। अगर आज की मुरली आपको समझ में आ गई तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। अगर कहीं पर भी आपको मुरली समझ में नहीं आई तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, ओम शांति।